गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रूल 36(4) और 16(4) का जो मेल आ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने से रिलेटेड, उसका क्या करना है, कैसे रिप्लाई देना है और कौन सी बातों का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी 36(4) और 16(4) से रिलेटेड ITC का जो मेल है उसका कैसे हम लोगों को डील करना है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया है जो मेल रिसीव हो रहा है रूल 36 सब रूल 4 को लेकर के। अब काफी लोगों का सवाल है कि रूल 36 सब रूल 4 है क्या। ये बेसिकली कहता है 9 अक्टूबर 2019 या उसके बाद आप किसी भी इनवॉइसेस का अगर क्रेडिट लेते हैं तो वो आपको एंश्योर करना होगा कि वो इनवॉइस आपके GSTR 2A में अपलोड कर दिया गया हो। दैट मींस कि आपके सप्लायर ने उसे अपनी GSTR 1 में अपलोड कर दिया है। अगर वो इनवॉइस आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो उसका क्रेडिट आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 20% ऑफ द अपलोडेड इनवॉइस तक। इस 20% के रेस्ट्रिक्शन को 1 जनवरी 2020 के बाद जो इनवॉइसेस का क्रेडिट लिया जाएगा उस पे 10% तक घटा दिया गया है। ये है रूल 36 सब रूल 4। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको GSTR 3B की फाइलिंग से पहले जो भी आपने परचेज रजिस्टर के अंदर अपनी परचेज बुक करी है उसको आप GSTR 2A से रिकनसाइल करेंगे कि कौन कौन सा इनवॉइसेस अपलोड हुआ है, कौन कौन सा इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुआ। जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ उसके रिस्पेक्ट में जो इनवॉइस अपलोड हुआ है उसका 20% या 10% रिस्पेक्टिवली क्लेम करेंगे। रिकंसिलेशन करने के लिए आपको क्लियर टैक्स का फाइलिंग टूल जो है उसको यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और उसमें आप GST प्लेटफॉर्म 50 का कोड यूज करके 50% तक का डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं। अब देखिए ये मेल क्या कहता है। एज यू आर अवेयर, रूल 36 सब रूल 4 of the CGST rules 2017 notified with effect from 9 October 2019 restricts the availment of credit to 120% of the eligible credit based on invoices, debit notes uploaded by the supplier in their GSTR 1. इसमें बताया गया कि रूल 36(4) जो कि 9 अक्टूबर से एप्लीकेबल किया गया है वो रेस्ट्रिक्ट करता है क्रेडिट को अवेल करने की परसेंटेज, वो है 120% ऑफ अपलोडेड इनवॉइस। जो मैंने आपको बताया कि जो इनवॉइस अपलोड नहीं होगा उसके बदले 20% ऑफ अपलोडेड इनवॉइस दिया जाएगा, अपलोडेड इनवॉइस का 100% और जो नहीं हुआ उसका 20% ऑफ अपलोडेड। मतलब शॉर्ट में अगर बोले तो अपलोडेड इनवॉइसेस का 120% हो जाता है। From 1st January, the eligibility has got reduced to 110% of such eligible credit. वहां पर 20% की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 10% ही दिया जाएगा 1 जनवरी 2020 के बाद। अब यहां आगे लिखा गया, records indicate that in your GSTR 3B return for January 2019, अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। 9 अक्टूबर 2019 को नोटिफिकेशन आया, ये रूल इंप्लीमेंट किया गया और ये एडवाइजरी आ रही है किसके लिए, जनवरी 2019 की GSTR 3B के लिए। यू हैव अवेल्ड क्रेडिट ऑफ 1,74,165 मोर देन द क्रेडिट एडमिसिबल अंडर रूल 36 सब रूल 4 ऑफ द टैक्स रिफ्लेक्टेड इन योर GSTR 2A फॉर द सेड पीरियड। अब यहां पर पहला सवाल यह है लोगों का कि जब ये 9 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ तो ये जनवरी 2019 की जो GSTR 3B है उसके अंदर क्यों भेजा जा रहा है, क्या ये 9 अक्टूबर के पहले की जो रिटर्न्स हैं उस पे भी एप्लीकेबल होगा। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं जो इन्होंने सर्कुलर इश्यू करके कुछ पॉइंट्स क्लियर करा था। उसमें एक पॉइंट था, व्हाट आर द इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स ऑन व्हिच द रेस्ट्रिक्शन Under Rule 36, Sub Rule 4 of the CGST rules shall apply. कौन से invoices, debit notes होंगे जिस पे ये rule लागू होगा, जिसमें इसका last point वो पढ़ने के लिए काफी important है। The restriction of 36(4) will be applicable only on the invoices or debit notes on which credit is availed after 9th October 2019. अब हम लोग समझते हैं इस email के जरिए।
इनका कहने का मतलब है कि जनवरी 2019 की जो इनवॉइसेस हैं, जिसका क्रेडिट आपने लिया 9 अक्टूबर 2019 के बाद, यानी कि जो हमारा जनवरी 2019 का रिटर्न था वो फाइल हुआ है 9 अक्टूबर 2019 के बाद। तो जब 9 अक्टूबर 2019 के बाद फाइल हुआ है तो उसके ऊपर भी ये रेस्ट्रिक्शन जो है लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि सर्कुलर की जो ये लैंग्वेज है वो ये कहती है एप्लीकेबल ओनली ऑन द इनवॉइसेस ऑन विच क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड आफ्टर 9 अक्टूबर। लेकिन इसका एक दूसरा व्यू पॉइंट भी लोगों का निकल के आ रहा है। दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर आपने अपनी इनवॉइसेस का क्रेडिट 9 अक्टूबर के बाद लिया है और वो जो है सिर्फ और सिर्फ 9 अक्टूबर के बाद का इनवॉइसेस है, उसके ऊपर ही लागू होगा। तो अब आपको ये टेक लेना है कि क्या आपके रिटर्न की फाइलिंग 9 अक्टूबर के बाद हुई है या 9 अक्टूबर के पहले हुई है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर आप 9 अक्टूबर के बाद रिटर्न फाइल करते हैं और उसके अंदर किसी भी इनवॉइस का क्रेडिट लेते हैं तो उसके ऊपर आपको 36(4) का जो रेस्ट्रिक्शन है वो लागू करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर परेशानी बढ़ सकती है, ITC रिवर्सल का सवाल उठ सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी दूसरा पॉइंट है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि 9 अक्टूबर 2019 से पहले का इनवॉइस अगर 9 अक्टूबर के बाद रिटर्न में क्लेम किया गया है तो उस पर ये रेस्ट्रिक्शंस लागू होती है या नहीं, सर्कुलर के हिसाब से लागू हो जाती है। दूसरा इन्होंने बोला यू आर एडवाइज्ड टू रिवर्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड इन एक्सेस इन सच केस क्रेडिट हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग टैक्स द सेम मे बी डिपॉजिटेड थ्रू फॉर्म DRC 03 विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट। अब यहां पे जो ये लोग कह रहे हैं यू आर एडवाइज्ड टू रिवर्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड इन एक्सेस, जितना आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस अवेल कर लिया है उसे आप रिवर्स कर दें, और रिवर्स करते टाइम क्या करें, इन सच केस क्रेडिट हैज बीन यूटिलाइज्ड, अगर वो क्रेडिट आपने 3B में क्लेम कर लिया और उसे यूटिलाइज भी कर लिया, दैट मींस आपके क्रेडिट लेजर में अब अमाउंट नहीं पड़ा है, फॉर पेइंग द टैक्स द सेम मे बी डिपॉजिटेड थ्रू DRC 03 विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। मतलब यहां पर अब इन्होंने जो चीजें बोली हैं कि आपने 3B में क्लेम तो कर लिया लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं करा तो उसे आप रिवर्स कर दीजिए अगले महीने की GSTR 3B में। अगर आपने उसको अवेल किया और यूटिलाइज भी कर लिया, अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया है तो उसको आप DRC 03 के द्वारा पेमेंट कर दीजिए, अपना इंटरेस्ट भी जमा कर दीजिए DRC 03 में। दैट मींस कि अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन पे ये लोग डिफरेंस कर रहे हैं, जैसा कि पटना हाई कोर्ट ने किया था, उसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल कर लिया और आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट पड़ा है उसको आपने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूटिलाइज नहीं करा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए अगर आप उसे रिवर्स कर देते हैं। अगर आपने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लिया है उस गलत ITC को अवेल करके यूटिलाइज करने के बाद, तभी आपके इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो है वो बनेगी। तो अब आप ये चेक कर लीजिए कि आपने अवेल तो किया, अगर यूटिलाइज नहीं किया है तो 3B में रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपने 120% से एक्सेस जो है वो क्लेम कर लिया था और 2A में नहीं आ रहा, लेकिन अभी और रुकिएगा, इन केस द अपॉर्चुनिटी फॉर वॉलेंटरी कंप्लायंसेस As suggested is not availed, appropriate action for recovery of excess ITC availed with interest and imposition of penalty shall be initiated as per law. अब ये बोला जा रहा है कि अगर आपने voluntarily इस input tax credit को reverse नहीं किया तो आपके against recovery proceedings initiate कर दी जाएगी interest और penalty को लगाते हुए। अब आते हैं एक और email पे। ये ईमेल आया है रूल 36(4) को ध्यान में रखते हुए ही, लेकिन ये आया है GSTR 3B रिटर्न फॉर दिसंबर 2019। अब सपोज हमने अक्टूबर महीने की GSTR 3B फाइल करी, नवंबर महीने की GSTR 3B फाइल करी, दिसंबर महीने की GSTR 3B को भी फाइल कर दिया और जो हमारे पास परचेज रजिस्टर में आ रहा था उसका क्रेडिट हमने क्लेम कर लिया है। अब मेरा सवाल यह है कि ये एडवाइजरी जो भेजी गई है, पहली बात तो ये एडवाइजरी है, कोई नोटिस नहीं है। अब एडवाइजरी के अंदर ये बातें बताई गई कि दिसंबर 19 में हमने ये क्रेडिट क्लेम कर लिया
अब मेरा सवाल ये था कि दिसंबर 19 में जो हमने परचेज किया है वो सेलर क्वार्टरली फाइलर है, उसने जीएसटीआर 1 फाइल करना है 31 जनवरी 2020 या उससे पहले, जो कि अभी नहीं आया है, 27 जनवरी 2019 ही अभी हुआ है, और ये एडवाइजरी जो आई है, ये एडवाइजरी आई है 24 जनवरी को कि आपने दिसंबर 19 में जो क्रेडिट लिया वो आपके जीएसटीआर 2A से मैच नहीं कर रहा, इतने का एक्सेस आपने क्लेम कर लिया है। भैया कैसे क्लेम कर लिया, कैसे मैच होगा, क्योंकि सामने वाले का जो ड्यू डेट है वो क्वार्टरली वालों के लिए 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी तक वेट तो कर लो, लेकिन इस 31 जनवरी से पहले आप ये इंश्योर कर लें कि आपने जो भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करा है वो सारा इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में अपलोड हो जाए और आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होने लगे, क्योंकि 31 जनवरी 2020 के बाद ये एडवाइजरी नहीं आएगी, इस चीज का नोटिस जो है वो आपको भेज दिया जाएगा। 31 जनवरी तक वेट करें और उससे पहले इंश्योर कर लें कि ये जो इंफॉर्मेशन भेजा गया डिपार्टमेंट की तरफ से, इसको बिल्कुल अटेंटिव होते हुए अपना जीएसटीआर 1 सप्लायर से बोल दें कि भैया अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो है 1 लगा दीजिए, नहीं तो हमें नोटिस आ जाएगा। अब आते हैं इसके वैलिडिटी पे कि यह एडवाइजरी कितनी वैलिड है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये एडवाइजरी जो है कहां से आ रही है। ये एडवाइजरी आ रही है noreply@sampark.gov.in। सबसे पहले कि इस एडवाइजरी का रिप्लाई क्या आप ईमेल पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मेल आया है वो आया है noreply@sampark.gov.in से। तो इसका रिप्लाई अगर आपको बनाना है तो आप अपना सबमिशन बनाइए और अपने जुरिस्डिक्शन ऑफिस में जा करके सबमिट कर दीजिए कि इस डेट पे ये एडवाइजरी आई थी जिसमें ये रेस्ट्रिक्शंस के साथ ये आईटीसी को रिवर्स करने के लिए कहा गया था, और हमारा सबमिशन जो है इस प्रकार से है कि हमने इनवॉइसेस लिया है, क्वार्टरली फाइलर है जो कि 31 जनवरी तक दिखेगा, उसके बाद रिकंसिलेशन सबमिट करना पड़ सकता है। दूसरा, इस पे डिन नंबर नहीं मेंशन किया गया, तो क्या ये वैलिड है? इसमें भी अब दो चीजें हैं। डिन नंबर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल की तरफ से, अगर आपका जुरिस्डिक्शन सेंटर में पड़ता है और वहां से कोई भी नोटिस, कोई भी ईमेल, कोई भी कम्युनिकेशन आता है उस पे डिन नंबर होना मैंडेटरी है। अगर आपका जुरिस्डिक्शन स्टेट में पड़ता है तो उस स्टेट ने अगर डिन नंबर के लिए स्पेसिफिक सर्कुलर इशू किया है तभी वो मैंडेटरी है, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं होगा। उसमें डिन नंबर हो या ना हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन का एक्टिवली जवाब देना पड़ सकता है। जुरिस्डिक्शन कैसे चेक करते हैं इसकी सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो रूल 36 सब रूल 4 से रिलेटेड है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो आता है अपने पास रूल 16 सब रूल 4, इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं कि आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो क्रेडिट है वो अगले साल की सितंबर महीने की 3B उसकी जो ड्यू डेट है उसके बाद अगर क्लेम करेंगे तो नहीं मिलेगा। यहां पर सेक्शन 16(4) तो यही बात करता है। अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आया है तो आप चेक करें आपने रिटर्न कब फाइल करी है, आपने आईटीसी अवेल कर लिया है तो क्या उसे यूटिलाइज भी किया है या नहीं किया है, और अपना सबमिशन अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया है तो आईटीसी को रिवर्स करते हुए अपना जवाब जो है वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में कुछ भी बातें लिखी गई हो, आपको ये देखना है कि उसमें जो कंडीशंस दिए गए हैं उसको अगर आप फुलफिल करते हैं उसके लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 उस एलिजिबल क्रेडिट का टाइम लिमिट फिक्स कर रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने केस को देखते हुए जवाब बना करके देना पड़ सकता है डिपार्टमेंट को। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको इन मेल से रिलेटेड जवाब देते समय ध्यान में रखना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि 16/4 और 36/4 का जो आईटीसी का ईमेल आ रहा है उसका रिप्लाई कैसे करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं।
साथ ही साथ जो हमारा ज्वाइन बटन है यूट्यूब का, उस पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब मेंबर बन सकते हैं, जिसमें आप अपनी कमेंट्स का रिप्लाई या फिर लाइव सेशन में 1-to-1 हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।